अस्सलाम वालेकुम जी, जैसा कि आज मैं एम्बेसी ऑफ पाकिस्तान वॉर्सो पोलैंड के बाहर मौजूद हूं और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि एम्बेसी ऑफ पोलैंड वॉर्सो ने बसेस और ट्रांसपोर्ट का अरेंज किया है, यहां पे अकोमोडेशन का अरेंज किया गया है और एम्बेसी स्टाफ जो सुनने में आ रहा था लोग, मतलब क्योंकि मैं सिचुएशन इस तरह किया कि आप कुछ नहीं कह सकते। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि एम्बेसी स्टाफ जितना भी है वो आज सैटरडे है, ऑपरेशनल है, बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, पूरी कम्युनिकेशन कर रहे हैं जितने भी लोग यूक्रेन में पाकिस्तानी स्टक हैं उनके साथ। तो मेरी आप सब पाकिस्तानियों से दरख्वास्त है कि आप प्लीज़ दुआ करें और थोड़ा तहम्मल करें, सब्र रखें, इंशाल्लाह ताला सब इंतज़ाम किए गए हैं, बस आप लोग खैर खैरियत से बॉर्डर पार कर लें, आप लोग पोलैंड आ जाएं। इंशाल्लाह ताला एम्बेसी ऑफ पाकिस्तान ने, एम्बेसडर साहब ने, ट्रेड काउंसलर, जितना भी स्टाफ है वो बहुत ज़्यादा वरिड है इस सारे मसले में और उन्होंने सारे इंतजाम बहुत अच्छे से किए हैं। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि सब्र और तहम्मल रखा जाए और बिल्कुल भी अफरा तफरी की या कोई गलत मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन किसी के साथ ना शेयर कीजिए। बहुत ज़्यादा शुक्रिया होगा और बहुत ज़्यादा दुआओं की दरख्वास्त। आप सबसे अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।